वेलकम बैक टू ससम किचन मैजिक बाय मोनिका। आज हम पेड़े बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। नॉर्मली हम खोए में पूरा मिलाकर पेड़े बनाते हैं, आज हम इन्हें पकाकर बनाएंगे और जल्दी तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से जब भी आप पेड़े बनाएंगे ये पेड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। शुरू करते हैं इन्हें बनाना। पेड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने घर का बना हुआ खोआ लिया है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लेंगे, अच्छे से चलाते हुए इसे गर्म करेंगे। और ये हल्का गर्म हो गया है, अब हम इसमें बूरा मिलाकर मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। देखिए बूरा और खोआ एकदम मिक्स हो गए हैं, अब हम इसे लो फ्लेम पर ही इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इस तरह से हम जब भी पेड़े बनाते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। गैस की फ्लेम आप ज़्यादा तेज ना रखें, नहीं तो खोआ नीचे से जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए खोए का कलर चेंज हो गया है। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक इसे इसी तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसके पेड़े बनाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप इसे थोड़ा चला लें। यहीं पर आप इसमें इलायची पाउडर अगर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें। अब इसके ठंडे होने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए जैसे ही ठंडा होना शुरू होता है उसके बाद ये टाइट अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। इस पेड़े बनाने में आप एक बात का ध्यान रखें, आप चीनी यूज ना करें, बूरा का ही यूज करें। अगर आप चीनी यूज़ करेंगे तो आपके पेड़े बहुत ही सख्त बनेंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे इनके पेड़े बना लेंगे। ये हमारा पेड़े का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है, ये थोड़ा गर्म ही रहेगा ना तभी हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए हम एक इस तरह से जो हम नॉर्मल पेड़े बनाते हैं आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ, बहुत अच्छे पेड़ इस तरह से बनते हैं। कोई भी आप एक छोटा ढक्कन ले लीजिए जो अंदर से प्लेन हो, ये मेरे पास थोड़ा बड़ा है, मैं बस आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से रख लीजिए, ये इस तरह से ये पेड़ा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, एकदम परफेक्ट साइज में। कुछ इस तरह के स्टैम्प्स मिलते हैं मार्केट में, ये मेरे पास पूरा पेड़ा मेकर है, लेकिन आप उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ा बना है, जब आप किसी गेस्ट के आगे इस तरह से देते हैं बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप इस तरह से पेड़े बना लीजिए, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक पेड़ा मेकर है, मैं उसकी हेल्प से बना रही हूँ। इसमें इस तरह से राउंड कर लीजिए और इसके अंदर रखकर इस तरह से प्रेस कर दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा पेड़ा इस तरह से भी बनता है। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे, चाहे तो आप हाथ की मदद से ही इस तरह से राउंड करते हुए बना लीजिए। ये पेड़ा मेकर बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं, जब भी आप गेस्ट के आगे इन्हें सर्व करेंगे तो कोई नहीं कह पाएगा ये घर के बने पेड़े हैं, और टेस्ट में ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें और कुछ बातों का बनाते समय ध्यान रखें जब भी आप इन्हें बना रहे हैं। इस तरह से जब आप पेड़े बनाते हैं तो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। कुछ बातों का आप ध्यान रखें,
एक तो इन्हें थोड़ा गर्म मिक्सचर हो तभी बना लें, नहीं तो बाद में ठंडा होने के बाद ये इतने अच्छे से शेप में नहीं आएंगे। आप इसमें बूरा का ही यूज़ करें, चीनी का यूज़ ना करें। चीनी डालने से ये बहुत टाइट हो जाएंगे और खाने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। आप जितना हो सके इन्हें चलाते हुए ही पकाएं। मेरे पास करीब 250 ग्राम मावा था, मुझे करीब 3 मिनट लगे इसे भूनने में। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर जब चेंज होने लगे तभी हम गैस बंद कर देंगे और जितना हो सकता है चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करें, सबको ये पीढ़ी बहुत पसंद आएंगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।